नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 के लिए आज हम वर्गीकरण ही चल रहा है। वर्गीकरण में आपको हम कुछ वो बता चुके हैं, पादप का ब्रायोफाइटा भी बता चुके हैं, टेडोफाइटा भी बता चुके हैं, बैक्टीरिया कवक थोड़ा सा बाकी है, वायरस भी बाकी है। कुछ हम टर्म देंगे एक ऐसा शब्द यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा शब्द की खोज जो है हैकल ने 1866 ईस्वी में किया, हैकल। अब ये बात करें कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर क्या है, तो यूं कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर है उसे हम मोनेरा और प्रोटिस्टा कह सकते हैं। अर्थात प्रोकैरियोटिक मोनेरा होते हैं और यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा होते हैं। अब आपको ये तो पता ही हो गया होगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। अब प्रोकैरियोटिक आप जानते हैं कि प्रो मतलब मींस प्रिमिटिव, और जो है कैरियन मींस होता है केंद्रक, अर्थात जिनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, या यूं कह सकते हैं कि केंद्रक जो है अल्प विकसित अवस्था में होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। उसी को हैकल ने मोनेरा नाम दिया। अब मोनेरा में जो माइटोकांड्रिया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी नहीं पाए जाते हैं। अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गा यानी कि नीले हरे शैवाल और जो बैक्टीरिया होते हैं ये सभी क्या कहाँ आते हैं, मोनेरा में आते हैं। अब हम प्रोटिस्टा की बात करें, इसको भी इस शब्द की भी खोज जो है हेकल ने किया था 1866 ईस्वी में। ये तीन प्रकार के हैं, एक तो पादप सम प्रोटिस्टा। पादप सम का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, ऐसे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक पृथ्वी पर सर्वप्रथम आए तो इन्हें हम प्रोटिस्टा कहते हैं। तो पादप सम प्रोटिस्टा अर्थात जो प्रोटिस्टा यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये कोशिकीय जीव जो है वो जो भोजन अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लेते हैं उन्हें हम पादप संप्रोटिष्ठा कहते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, एक कोशिकीय है लेकिन यूकैरियोटिक है। अब दूसरा कवक संप्रोटिष्ठा, ना तो वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं और ना ही परजीवी होते हैं, वो प्रोटिष्ठा सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जिसे हम कवक संप्रोटिष्ठा कहते हैं, कवक के समान प्रोटिष्ठा कहते हैं। और प्रोटिस्टा बार बार हम बता दे रहे हैं कि प्रोटिस्टा ऐसे एक कोशिकीय जीव जिनमें विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, विकसित केंद्रक पाया जाता है, वो प्रोटिस्टा कहे जाते हैं। उसके बाद जंतु संप्रोटिस्टा है। जंतु संप्रोटिस्टा में सभी यूकैरियोटिक जो जंतु एक कोशिकीय जंतु है वो सभी जंतु संप्रोटिस्टा यानी जंतुओं के समान में आते हैं। अगर हम इनके उपस्थिति की बात करें तो ये जल, थल, स्थल, ये सभी जगह पायवाय में भी पाए जाते हैं। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो तीन भागों में बांटा गया, एक तो पादप संप्रोटिष्ठा जो हरे शैवाल होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वालबाक्स है, ये पादप संप्रोटिष्ठा है, स्लाइम मोल्ड ये जो है कवक संप्रोटिष्ठा है, और जंतु संप्रोटिष्ठा में जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु हैं जैसे अमीबा है, पैरामीसियम है, युगलीना है, ये सभी एक कोशिकीय जंतु के समान प्रोटिष्ठा है। तो अब स्पष्ट हो गया है वर्गीकरण में कि प्रोटिष्ठा और मोनेरा का अर्थ क्या है। सीधा सीधा बात यह है, प्रोटिष्ठा यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं, मोनेरा प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं। खोज जो है शब्द जो है हैकल ने दिया। प्रोटिस्टा को तीन भागों में बांटा गया, पादप संप्रोटिस्टा,
कवक संप्रोटिष्ठा और जंतु संप्रोटिष्ठा, बाकी सभी गुण जो है एक कोशिकीय जीवों के समान होते हैं। तो इस तरह से हम वर्गीकरण में लगभग समाप्त कर चुके हैं। धीरे धीरे हम आपको ऑनलाइन क्लास के द्वारा बताते रहेंगे।